आज हम लोग आए हुए हैं टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट के पास, द वॉइस ऑफ टाइम में आपका खैर मकदम है सर। तो आज जितने भी ये एनवायरनमेंट चल रहा है आपके ये बोरो 15 में, और आपके अपोजिशन लोग बहुत सारे सवालात, बहुत सारे ब्लेम आपके कैंडिडेट के ऊपर रख रहे हैं, जैसे कि 133 वार्ड में बेरोजगार बहुत है, कोई काम नहीं होता है, यहाँ के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती मतलब सीट लेने के लिए मजबूर किया है कि वो खड़े हो और वो जीते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वाज़ेम टाइम का कि आपने हमें मधु किया, बुलाया है। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि टीएमसी के मुकाबिल कौन है जो उसका मुकाबला कर सके? उसका मुतबादिल कोई नहीं है। सब सवाल का एक जवाब, जो कहते हैं ना वैसे बाटी, क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी को मैं जो आपको बता रहा हूँ, गणित बता रहा हूँ, हिसाब बता रहा हूँ कि आज मगरीब बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने जितने लोगों को नौकरी दिया है, BSB की जो उसका ट्रेनिंग सेंटर चलता है, स्वरोजगार कॉरपोरेशन का जो ट्रेनिंग चलती है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और जितने भी कंप्यूटराइज ट्रेनिंग चलती है, और यूथ का जितना ट्रेनिंग चलता है, जितने लोगों को रोके जितने एरिया है, यहाँ पर एक नंबर पोजीशन लेके गई है। ये इस बात की जामिन देता है कि हमारे एरिया में कितना काम करते हैं, और रंजीत सिंह साहब ने क्या काम करके दिखाया है। वो तो अपने इलाका के अलावा पूरे बोरों में वो दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हर जगह उन्होंने तरक्की काम किए हैं। जैसे कि तमाम दूसरे एरिया में जाके आप देखें, रोड का क्या हाल है, नर्दमा का क्या हाल है, आपके स्कूल का क्या हाल है, अपने एरिया में उन्होंने कितने स्कूल बनाए हैं। मुदियाली स्कूल, लोट बिहारी स्कूल का डेवलपमेंट देखिए, और हमारे उर्दू मीडियम स्कूल है बंगाली बाज़ार का डेवलपमेंट के देखिए आप। जब हरिमन कॉलेज क्या थी, अभी क्या शक्ल कितनी खूबसूरत हो गई है, जाके देखें आप। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले यहाँ जो है हम लोग के 130 एरिया में कश्मीर पड़ा में फाउंटेन का जो है उद्घाटन किया गया, इतनी खूबसूरत साजगार जो है इन्वायरमेंट बन गया है। तो लोग क्यों किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया? जो कहते हैं वो रास्ते रास्ते और गली गली जाएं, लोगों से कहें और जाके मिले, जो कहते हैं उनके मुंह में बहुत ज़ोरदार तमाचा मिला। जी, तो आप अपने 133 वार्ड के जितने भी आवाम हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तमाम 133 नंबर वार्ड के जितने वोटर हैं, जितने माँ बहन हैं, जितने भाई बहन हैं, सबको ये कहना चाहूँगा कि ममता दीदी के आगे कोई था ना कोई है ना कोई रहेगा। हमारे रंजीत सिंह हम लोग के एरिया के जो है काउंसलर हैं, काउंसलर रहेंगे। उन्होंने इतना काम किया है, हर घर में जाके उनके कर्मी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, हर घर में उनका पैगाम पहुँचाते हैं, हर घरों में उनका जो है बात पहुँचता है। और कौन ऐसा काम, कौन ऐसे चीज़ जिनका नहीं हुआ, किसी घर में जाकर कह दे कि इसका काम नहीं हुआ है। हर घर में, हर एरिया में, बच्चे से लेकर स्कॉलरशिप तक, बूढ़े के पेंशन तक का काम हुआ है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में हर घर में जाके हम लोगों ने लोगों को जो है उनके चावल आटा और ये मुहैया कराया है। जी सिंह साहब ने कंबल बांटा है, ईद के टाइम बांटा, पूजा के टाइम बांटा, वो बिला मजहब को देखते हुए हर कौम के लिए काम करते हैं। आज एक और सवाल है कि आपके अपोजिशन जो उम्मीदवार हैं उनका दावा है कि वो खड़े हुए जीत गए, उन्होंने कहा है कि आपके एरिया के लोगों ने मिलकर उनको जबरदस्ती खड़ा किया है कि आप खड़े होइए और आपको जीतना है। तो आप तो माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं टीएमसी के 133 वार्ड के, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एरिया के लोग जो बोल रहे हैं उनको खड़ा कराए हैं, एक्चुअली में वो उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, उनको खड़ा करके वो हैंडीकैप है, उनको उठाया गया, ठीक है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। तो एक दो आदमी मिल के उनको उठा दिया है तो सोच रहे कि हम दौड़ने के लिए खड़ा कर गए हैं। अरे वो तो खड़ा करा गया, बच्चे थोड़ा चल मिल के ज़िंदगी गुजार ले। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि वो जो जिस लोगों के साथ घूम रहे हैं तो वो यहाँ के वोटर ही नहीं हैं 133 नंबर वार्ड के, तो वो किसको कह रहे हैं कि उनको खड़ा करके उनको घुमाया गया? लेकिन वो जो वोटर ही नहीं है,
वो कुछ जानते ही नहीं वर्ड के बारे में, तो उनको कौन खड़ा कर सकता है। रही सवाल हमारे रंजीत सिंह का, उनका कोई स्थान ही नहीं है, उनका मुकाम कोई नहीं है, और वो अनकंस्टेड 100% नहीं बल्कि 200% जीत रहे हैं। पूरा बोरो में हम लोग का हुकूमत बन रहा है इंशाल्लाह। ममता मेरी जिंदाबाद, राधिका भी जिंदाबाद, रंजीत सिंह जिंदाबाद। थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग यहीं अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। द वॉइस ऑफ टाइम में बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।